ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते एक बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। इलेक्शन में प्रचार के लिए जमानत मांगी है। केजरीवाल की तर्ज पर जमानत चाहते हैं हेमंत सोरेन। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया और आपको बता दें कि कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी इसी मामले को लेकर के। आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी, तो जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। इलेक्शन में प्रचार के लिए जमानत मांगी है हेमंत सोरेन ने। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर जमानत चाहते हैं हेमंत सोरेन। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी इस मामले को लेकर। हालांकि आपको बता दें कि हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है और ऐसे में बता दें आपको कि कई विशेषज्ञों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का केस अलग है, हेमंत सोरेन का केस अलग है, तो ऐसे में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है हेमंत सोरेन को। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बिहार के रण से विरोधियों पर जमकर हुंकार भरी। नतीजे के दिन विरोधियों पर प्रहार की बात कहकर सियासी माहौल को गर्मा दिया, तो वहीं तेजस्वी यादव के बेड रेस्ट वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने जोरदार तरीके से पलटवार किया है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। बिहार के मोतिहारी के रण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहाड़ मारा। कहा 4 जून को भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की सियासत और टुकड़े टुकड़े गैंग पर जनता के आशीर्वाद और चुनाव के नतीजे से प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर। इंडिया अलायंस पर प्रहार के साथ ही तेजस्वी के बेड रेस्ट वाले बयान पर भी प्रधानमंत्री ने तंज कसा। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। मोतिहारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान के गोरिया कोठी विधानसभा के आज्ञा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इंडिया अलायंस को भ्रष्टाचार का ठिकाना बताते हुए पीएम ने विरोधियों की 3 एक समान बुराई लोगों को गिनाई। ये 3 बुराइयां ये इंडी गठबंधन के सब में समान है। ये 3 क्या बुराइयां है? ये इंडी अलायंस वाले गोर गोर कम्युनल है, 100% सांप्रदायिक है। दूसरा, ये इंडी अलायंस वाले गोर जातिवादी है, 100% जातिवादी है। और तीसरा, ये इंडी अलायंस वाले गोर परिवारवादी है, 100% परिवारवादी। 7 में से 5 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। आखिर के बचे 2 फेज के लिए प्रधानमंत्री ने जोर लगा दिया है। पीएम मोदी बिहार में जहां भी जाते हैं अपनी सभाओं में इंडी गठबंधन और लालू परिवार पर हमला बोलकर सियासत गरमा देते हैं। पीएम साफ संदेश देना चाहते हैं कि 24 में जीत के बाद अपने तीसरे टर्म में करप्शन कम्युनलिज्म पर और भी जोरदार तरीके से प्रहार करने वाले हैं। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश और सिवान से मृत्युंजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि अब तक के 5 फेज के चुनाव में विपक्ष पस्त ही नहीं ध्वस्त भी हो चुका है। पीएम के इस बयान पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। और अब कल जो 5वां चरण हुआ इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। मोतिहारी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दावा किया है कि अब तक के चुनावों में विपक्ष बुरी तरह पिट चुका है।
पहले पस्त हुआ, फिर ध्वस्त और पांचवे फेज के बाद इंडी गठबंधन पूरी तरह से परास्त हो चुका है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था, इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ, जो पांचवा चरण हुआ इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। प्रधानमंत्री के दावे के बाद अब सियासत बेहद गर्मा गई है। एनडीए और इंडी गठबंधन के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि सातवां फेज का चुनाव खत्म होते होते कहीं विपक्षी और इंडी अलायंस अस्त ना हो जाए। प्रधानमंत्री जी हार देख घबरा गए हैं और उस घबराहट में वो क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि पहले चरण से पांचवें चरण तक हर चरण में वो लगातार घट रहे हैं। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में आ चुका है। प्रधानमंत्री एक के बाद एक चुनावी रैलियों में विपक्ष की हार का दावा कर रहे हैं। वैसे अंतिम दो चरण का मतदान होना बाकी है, पर दावों के बीच सियासी संग्राम जारी है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अविनाश और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के पक्ष में वोट मांगते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सिर्फ विकास के एजेंडे पर वोट मांग रही है और तेजस्वी यादव जनता से अपने माता पिता के किए गए कुशासन के आधार पर वोट मांग रहे हैं, उनके पास वोट मांगने का कोई आधार नहीं। हम लोग तो सिर्फ एक एजेंडे पर वोट मांग रहे हैं और वह है विकास। 18 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की दशा बदली है, जिसकी चर्चा आज पूरे दुनिया में हो रही है, उस पर वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी जी कौन सी पर वोट मांग रहे हैं? अपने माता पिता के 15 साल के कुशासन के बल पर। पटना में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और आरजेडी के शासनकाल को बिहार में जंगलराज करार देते हुए उससे हुए नुकसान का जिक्र किया और कहा कि जंगलराज की वजह से बिहार में प्रति व्यक्ति आय 33% गिर गई थी। अगर बिहार में जंगलराज नहीं होता तो बिहार 95% आगे होता। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए केंद्र सरकार ने काफी मदद की है। सम्मान चाहिए, विकास नहीं। ये बोलने वाले लोग से जो जंगल राज का जमाना था बिहार में, उस समय बिहार के पर कैपिटा इनकम उड़ीसा से शुरू, जंगल राज शुरू होने से पहले उड़ीसा से हायर था, बड़ा था। उड़ीसा उस समय पर कैपिटा जीडीपी 20,591 रुपीज था 20,591, और उस समय 1991 के समय में बात कर रही बिहार का 21,282 था। मगर जंगल राज शुरू होने के बाद बिहार का 33% ड्रॉप हुआ और आराम से उड़ीसा 31% ज्यादा बढ़ा। बेतिया में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार मोदी जी के दिल में बसता है। केंद्र सरकार बिहार को विशेष पैकेज देकर विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगा। उन्होंने मतदाताओं से देश और बिहार की समृद्धि के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की। तो कि हम 40 में से लगभग 40 सीट जीतने की स्थिति में आ गए हैं। पिछली बार एक सीट हमसे छूट गया था और इस बार जनता का जो प्यार स्नेह मिल रहा है आदरणीय मोदी जी को, वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि मोदी और नीतीश कुमार जी को 40 की 40 सीट बिहार की जनता देने जा रही है।
भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रह रही छात्राएं पिछले 2 साल से खौफ के साए में रहने के लिए मजबूर हैं। लालबाग के गर्ल्स हॉस्टल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के पिछले हिस्से की दीवार 2 साल से गिरी हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय ने अभी तक ये दीवार नहीं बनवाई है। पिछले साल भी हॉस्टल की छत पर कुछ लोग चढ़ गए थे, जिसको लेकर छात्राएं डरी हुई हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हॉस्टल 1, 2, 3 और 5 में। यह छात्राओं के लिए छात्रावास है और इसके पीछे का जो दीवार है वो पिछले 2 साल से अधिक समय हो गया है जब से गिर चुका है। कई बार जो है कुछ लोगों के घुसने की भी बात सामने आई थी, जिसको लेकर जो है छात्राएं काफी सहमी हुई रहती है। दीवार गिरा हुआ है, रात में थोड़ा अनसेफ लगता है, कहीं कोई आ ना जाए, क्या जल्दी से जल्दी उसको मरम्मत करा के उसको ठीक करा देना। एप्लीकेशन दिए थे सर के पास, हाँ। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ नहीं। एक सभी फाइलें हैं, कई बार यूनिवर्सिटी इंजीनियर उनके पास गए हैं, वो टाल मटोल की नीति कर रहे हैं और उस फाइल को नहीं निकाल रहे हैं। जैसे ही वहाँ रजिस्ट्रार कार्यालय से फाइल निकलती है, मैं उसको अविलंब बनाने के लिए अपना निर्देश दूंगा, आदेश दूंगा, जिसमें कि अविलंब जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाए। वो उसकी क्या स्थिति है, मैं तो यहाँ पिछले 3 महीने से आया हूँ और उसकी स्थिति देख ली जाएगी। अभी हम लोग बजट में लिए हैं, बजट समीक्षा के बाद लौटते हैं तो उसे देखते हैं। छात्राएं कहीं ना कहीं भयभीत हैं और डर के साए में हॉस्टल में रह रही हैं। वहीं इस मसले पर कुलपति का कहना है कि जो फाइल है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में पड़ा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई रजिस्ट्रार की ओर से नहीं की गई है। वहीं रजिस्ट्रार का भी कहना है कि वो फाइल को देख रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि कब तक इस फाइल को देखा जाता है और इस दीवार को दिया जाता है, जिससे कि लड़कियां जो हैं यहां पर जो रह रही हैं छात्राएं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। भागलपुर के सिकंदरपुर मुख्य मार्ग पर लंबे समय से नाली का पानी सड़क पर बह रहा है, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। जिलाधिकारी ने 25 मई तक शहर के सभी नालों की सफाई का आदेश जारी किया है, लेकिन फिर भी इस सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। स्मार्ट सिटी भागलपुर के अभी हम दक्षिणी क्षेत्र के सिकंदरपुर मोहल्ले में, आप देख सकते हैं कि यहाँ के हालात क्या है। सड़क पर जो है पानी लगा हुआ है, बारिश का मौसम नहीं है, ना ही अभी बारिश हुआ है। नाले का हाल आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरा नाला जो है भरा हुआ है और ओवरफ्लो करके जो पानी जो है सड़कों पर है। लोगों को जो है यहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई सालों से ये समस्या है। खुद का ईटा दे दे करके किसी तरह आने जाने का बनाए हैं। अभी यह हाल है तो बरसात के समय सबके घर में पानी घुसेगा, अब कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे वार्ड पार्षद आता है, उसको कहता है कि क्या करे, 4 ठो लेबर हम क्या करे, क्या वार्ड पार्षद बना हुआ। बहुत परेशानी होता है, दिक्कत होता है, गिर भी जाते हैं। नाली का पानी है, हाँ। और पैर उर में लगता होगा, हाँ, तो पैर में भी लगता है चोट, पूरा गिर जाते हैं हम लोग, सारा बूढ़ा बुजुर्ग को भी चोट लगता है। कार जो है ये समस्या कोई आज की नहीं है, कई सालों से है। जिलाधिकारी के द्वारा 25 तारीख तक सभी नालों की सफाई का आदेश दिया गया था, लेकिन जो हालात है उसको देखकर समझा जा सकता है कि वार्ड नंबर 45 और 49 के बीच में ये नाला है और उसकी सफाई आज तक नहीं हुई है और सड़क पर पानी है और लोग परेशान हैं। अब देखने वाली बात है कि नगर निगम की नींद कब खुलती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। नवादा के गोविंदपुर थाना पुलिस ने शादी समारोह में हुई फायरिंग का खुलासा किया है। 20 मई को शादी समारोह में हुई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने SIT का गठन किया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को एक बंदूक और 13 गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गोविंदपुर थाना को एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना में दिखी जा रही थी। उसी के संबंध में गोविंदपुर थाना के द्वारा एक टीम गठित की गई और जो व्यक्ति हर्ष फायरिंग कर रहे थे उस वीडियो में, उनके घर पर रेड छापेमारी की गई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जो वीडियो में यूज़ किया जा रहा हथियार था उसको भी जब्त किया गया है। तो एक हथियार और साथ में 13 गोलियां जब्त की गई हैं। खबर कटिहार से है, जहां महिला टीचर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और फिर मिट्टी का तेल डालकर शव को जलाने की कोशिश भी की गई। मृतक की पहचान यशोदा देवी के रूप में की गई है, जो पकड़िया प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर तैनात थी।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मेरा पत्नी है सर। क्या नाम है उनका? कुमारी जसोदा। क्या उम्र होगा उसका? उसका 29 साल लगभग उम्र है। और आपका नाम? मेरा नाम परमेश राय। घर कहाँ? लक्ष्मीपुर पकड़िया। थाना कौन सा पड़ा? प्राणपुर। हुआ क्या, कैसे उसकी मौत हुई है? मौत ऐसा हुआ कि सर ये तो शिक्षा सेवक है, एक टीचर है स्कूल का, तो ये स्कूल जा रहा था। एक लड़का हलचल कुमार नाम है उसका, वो हमसे और उससे थोड़ा सा डिस्कस हो गया, कहीं दुश्मनी दूर हो गया। वो हमसे हमको अभी पिछला बार जो जनवरी 22 फरवरी को पिछला जो कट गया 22 फरवरी को हमको भी मारा है। अच्छा। वही लड़का दिखे, हम 22 दिन सिरसा यहाँ सदर से हमको रेफर कर दिया जी। प्राणपुर थाना अंतर्गत लक्ष्मीपुर ग्राम की रहने वाली यशोदा देवी आज सुबह 5:30 बजे पकड़िया प्राथमिक विद्यालय जा रही थी, उसी समय हलचल कुमार राय के द्वारा उन पे चाकू से धार हमला कर दिया गया। कई बार चाकू से हमला करने के बाद जब वो मृत हो गई तो फिर उनकी उन पे आग लगा के उनको जला दिया गया। ये मामला सामने आया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।